एक गांव जहां हर घर में एक शख्स सरकारी नौकरी में है, सिर्फ चार युवकों ने मिलकर बदल दी गांव की तकदीर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, संकल्प, लगन और मेहनत के आगे हर कठिनाई बौनी साबित हो जाती है। जी हां, इस बात को चरितार्थ कर दिया भारत के गांव ने। यह गांव अपनी गरीबी के लिए जाना जाता था, यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं था। गांव के चार युवकों अपने गांव की बदहाली से काफी दुखी थे। उन्होंने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि इस बदहाली से कैसे उबरा जा सकता है। उन्हें लगा कि ना तो उनके पास पर्याप्त पूंजी है और ना ही गांव की स्थिति ऐसी है कि यहां के आर्थिक हालात को सुधारा जा सके। तब उनके मन में आया कि सिर्फ पढ़ाई ही वो हथियार है जिसके बल पर इस बदहाली से छुटकारा मिल सकता है। कड़ी मेहनत कर पढ़ाई की जाए और फिर सरकारी नौकरी पाकर गांव की तस्वीर बदली जाए, और फिर उनका ये आइडिया साकार भी हो गया। झारखंड के धनबाद में बलियापुर प्रखंड की प्रधान खंटा पंचायत में गांव है छाता कुल्ही। यह ऐसा गांव है जहां 130 युवकों की रेलवे में विभिन्न पदों पर नौकरी लगी। उसके बाद तो यहां युवकों में ललक ऐसी बढ़ी कि सैकड़ों सरकारी नौकरियाँ लग गयी। यह सब हुआ इंद्रजीत महतो, राजू महतो, कमल महतो और अमलेश महतो नाम के चार युवकों के सपने के बूते। आज छाता कुल ही ऐसा गांव है जहां हर परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है। बताया जाता है कि यह करीब 250 घरों का गांव है और यहां से 250 लोगों की विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी लग चुकी है। छाता कुल ही के इंद्रजीत बताते हैं कि यहाँ बुजुर्गों का मूल पेशा खेती बाड़ी और गाय बकरियाँ पालना रहा है। इंद्रजीत समेत चार युवकों ने तब ये सपना देखा कि वे पढ़ाई लिखाई के बूते ही अपने गांव की तस्वीर बदल देंगे। इसके लिए पहले उन्होंने सेल्फ स्टडी शुरू की, उसके बाद खुद नौकरी लगे, फिर अन्य युवकों को भी साथ ले लिया। सरकारी नौकरियां लगने पर भी यहां के युवाओं का गांव से मोह भंग नहीं हुआ। वे अपने गाँव और इलाके के विकास में भी योगदान देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।